जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और मैं आप सभी का PYQ एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि UPSC CFAC 2022 से रिलेटेड होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, UPSC CFAC 2022 की नोटिफिकेशन UPSC ने 20 अप्रैल को जारी कर दी है, ठीक है। और तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप UPSC CAPFAC 2022 की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म जो है 10 मई 2022 से पहले भर देना है, ठीक है। 10 मई के 6 बजने से, शाम के 6 बजने से पहले आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये फॉर्म 20 अप्रैल से खुल चुकी है। यहाँ भी दे रखा लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। सो अगर आपको सबमिशन 10 मई 2022 के 18 आवर्स यानी कि शाम के 6 बजे से पहले, और अगर सपोज आप फॉर्म भरने के बाद आपका माइंड बदल जाता है कि नहीं मुझे इस एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप ये फॉर्म विड्रॉ भी कर सकते हैं। और विड्रॉ करने का जो विंडो है वो 17 मई से लेकर 23 मंडे तक और 23 मई तक ओपन रहेगा, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ कारण हो तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, जिससे कि UPSC के प्रिंट करने आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिंट नहीं करना होगा और ना ही आपके लिए कोई सीटिंग अरेंजमेंट करना होगा। चलो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो इस बार है वो है 253 सीटें। ये पिछले 2 वर्षों से के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर 2020 की सीटें देखें तो वो थी 210 के लगभग, ठीक है। और 2021 में तो उससे भी कम थी। ये जब पहली वैकेंसी आई थी तो 157 थी और रिवाइज होकर ये 170 के लगभग हो चुकी थी, ठीक है। फिर भी बहुत कम है, जहाँ कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 463 थी। तो ये वैकेंसी के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो और अच्छी बात यह है कि जो SSB के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इस बार SSB में सबसे अधिक वैकेंसी आई है, 82, जहाँ इस वैकेंसी में सिर्फ एक वैकेंसी SSB के लिए थी, यहाँ इस बार 82 है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और चलिए अब आगे और जानकारी देखते हैं। तो ये सेंटर से रिलेटेड जानकारी दी गई है कि अगर आप इन्हीं सेंटर में भर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इतने सेंटर्स अवेलेबल है तो आप अपने नज़दीकी सेंटर को भर लें, और हाँ जितने जल्दी से जल्दी फॉर्म हो सके, क्योंकि हर एक सेंटर में नंबर ऑफ सीट्स लिमिट होता है, ठीक है। और एक्सेप्ट कुछ सेंटर्स को छोड़कर, जैसे चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, इन सेंटरों में जो है कि सीलिंग्स नहीं रखी गई है, ठीक है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको एकोमोडेट कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी बचे हुए सेंटर्स को आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना, वरना क्या होगा कि आपके लिए सेंटर में सीट बचेगा नहीं, फिर आपको कोई दूर का सेंटर चुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन जो दी गई, नेशनल एलिजिबिलिटी, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर अगर आप नेपाल और भूटान के भी हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी हुई उनके सामने, अगर वो फुलफिल करते हैं तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज सिटीजन ऑफ इंडिया इज सफिशियंट। ओके, देन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये फॉर्म जो है दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और ध्यान रखना इसमें कोई भी सीट फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है। डैट मीन्स पूरे 253 के 253 सीटों पर फीमेल का फीमेल हकदार है, इक्वली हकदार है मेल के बराबर, ठीक है। मतलब कि अगर 253 के 253 फीमेल अगर मेरिट लिस्ट में टॉप में आ जाती है तो ये पूरा पोस्ट उनको भी दिया जा सकता है, ठीक है। इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये इक्वली फाइट करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं मिनिमम एज क्वालिफिकेशन, सॉरी मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बैचलर डिग्री। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से, या आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो या फिर अदर देन कोई भी, आपने लॉ कर रखी है, आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, आपने MBBS कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, ठीक है, मैनेजमेंट कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, BCA कर रखा है, बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि स्टेट या सेंट्रल से, और वो बस काफ़ी है, ठीक। और एक जानकारी, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स है जो कि फाइनल ईयर में है वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपको जो है कि अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप जो है
अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, आपको अपना मार्कशीट शो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो है एज की, मतलब कि आपका एज 20 प्लस से होना, 20 से ज़्यादा होना चाहिए और 25 से कम होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, डेट मीन्स आपकी एज जो है 25 से कम होनी चाहिए, तो आपको आपकी जो एज है आप 2 अगस्त 1997 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और ना ही 1 अगस्त 2002 के बाद का डेट ऑफ बर्थ। जिनका डेट ऑफ बर्थ ये रेंज के अंदर आता है वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी को हर एग्ज़ाम में जो है कि 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनका एज 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेम SC ST, तो NC ST का जो है उनको हर एग्ज़ाम में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनका एज 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इस CAPF एग्जामिनेशन का, ये एक यूनिक फीचर है। ठीक है, क्योंकि ऐसा आपको बहुत ही कम परीक्षाओं में मिलेगा, दैट रेस्ट्रिक्शन ऑन री अपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट्स फुल्ली सेलेक्टेड। अगर आप फुल्ली आप कभी भी एक बार फुल्ली सेलेक्ट हो जाए तो आप ये फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते। मतलब कि अगर कोई 2018 कैंडिडेट है और वो सेलेक्ट हो चुका है 2018 के एग्ज़ाम में, और वो किसी कारणवश अगर ज्वाइन नहीं कर पाया, मतलब वो उसके बाद भी किसी भी साल 19 हो या 20 हो, 21 हो या 22 हो, वो नहीं भर सकता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस एग्जामिनेशन, और ये डायरेक्टली उसके नोटिफिकेशन में मेंशन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन री अपीयरेंस। ठीक है, तो ये एक तरह से बाकी कैंडिडेट्स के लिए अच्छा भी है। ठीक है, ताकि कंपटीशन कम होगा। उसके बाद अगर आपके पास NC-B और NC-C सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आपको इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में आप एक डिजायरेबल कैंडिडेट होंगे और आपको हो सकता है उनसे ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन जिस पर बात कर चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 17 मई से लेकर 23 मई तक। ठीक है, अब आते हैं सर्विस एलोकेशन। तो आपको जो है सर्विस का आप प्रेफरेंस देना होता है कि आप अगर पास हो जाते हो तो आप किस प्रेफरेंस में सर्विस लेना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज आप देते हैं कि मुझे CRPF पहले चाहिए, अगर CRPF ना मिले तो मुझे BSF चाहिए, अगर BSF भी ना मिले तो मुझे CISF दे देना, और CISF भी ना मिले तो SSB, और SSB भी ना मिले तो ITBP। ये आपका मतलब कि एक प्रेफरेंस हो सकता है। ठीक है, इस तरह से, और ये डिपेंड करेगा आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, वो आपका मेरिट लिस्ट में आपका रैंक कितना है उसके बेसिस पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। पहला रिटर्न एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम जो है कि जो कि 7 अगस्त को होने वाला है, जो कि पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है, और 2 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट 10 से 12, 2 घंटे का, जिसमें पेपर 1 का एग्ज़ाम देना होगा आपको, और दूसरा शिफ्ट जो होगा 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का, वो होगा आपको पेपर 2 का। पेपर 1 जो है 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 125 क्वेश्चन आते हैं और वो ऑब्जेक्टिव होता है, और पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, और पेपर 1 आपको दोनों में छपे मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी में, और आपको गोले लगाने होते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर 2 में जो आपको लिखना होता है, ठीक है, और लिखने के लिए आपको लैंग्वेज चूज करना होता है इंग्लिश और हिंदी, लेकिन इंग्लिश और हिंदी सिर्फ एसे के लिए चुन सकते हैं, बाकी पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही देना होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जो पेपर 2 है, एसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नरेटिव फॉर्म आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, बाकी आपको जो भी पार्ट 2 है यानी कि 120 नंबर का, वो आपको ओनली इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, चलिए उससे पहले जो है पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 का सिलेबस कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया, बड़ा ही सिंपल सिलेबस दिया गया है। आपको अगर ये पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट टॉपिक्स क्या क्या, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बड़ा ही ब्रॉडली मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए आगे बढ़ाया जाता है, और सेकेंड स्टेज को 3 छोटे छोटे स्टेज में बांटा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपके शरीर की माप को देखा जाएगा। अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट जो 165 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हो तो आपकी जो है
हाइट है 157 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। लड़कों के लिए चेस्ट का माप भी इंपॉर्टेंट है, 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ठीक उसी तरह वेट है, लेकिन वेट जो है आपका वो हाइट और एज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो अगर आप ये स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर जाते हो तो आपको फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, जिसमें कि आपको जो है कि 4 इवेंट देने हैं। 100 मीटर अगर आप लड़के हो तो आपको 16 सेकंड में दौड़ना है, और अगर आप लड़की हो यानी कि अगर आप एक महिला हो तो आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। सेम उसी तरह से 800 मीटर जो है आपको 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है अगर आप मेल हो, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 4 मिनट 45 सेकंड थोड़ा लिवरेज दिया जाता है, ठीक है। लॉन्ग जंप आपको 3.5 मीटर का मार्क जो है 3 चांस दिया जाएगा, उसमें से एक बार में 3 चांस में से कम एक बार आपको पार करना है। और महिलाओं के लिए 3 मीटर का मार्क होगा, उसको भी 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। और रहा बहुत मेल के लिए एक इवेंट एक्स्ट्रा है, जो शॉट पुट, जो 4.5 मीटर दूर फेंकना होता है एक 7.26 kg के गोले को, ठीक है। अब जो है अगर आप ये दोनों भी पास कर जाते हैं तो आपको जो फिर मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको आई का होगा, फुल बॉडी का भी होगा, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो ही बना दूंगा, ताकि जो है कि मैं क्योंकि मुझे मेडिकल को लेके पूरी जानकारी है। मैं अब तक टोटल 3 मेडिकल में भाग ले चुका हूँ, तीनों में मैं क्लियर किया हूँ, तो मैं एक डिटेल वीडियो इसके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको पार कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेडिकल पास कर जाते हैं तो ये देखो, ये जो चार्ट है मैं बता रहा था एज और हाइट को लेके, हाइट और एज को लेके, जैसा कि अगर आपकी हाइट 186 सेंटीमीटर है और आप 23 साल से 27 साल के बीच की आपकी एज है, तो आपका जो वेट होना चाहिए 51.5 से लेकर 62.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इससे बाहर जाते हो तो आपको अनफिट क्लियर डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और आपको फिर रीमेडिकल में अपीयर होकर आपका इस रेंज में वेट लाकर दिखाना होगा, वरना आपको अनफिट क्लियर परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए है। और अब बात करते हैं इसके बाद, अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी पार कर गए तो जो नोडल अथॉरिटी है, यानी कि जो फिजिकल के लिए नोडल अथॉरिटी, जैसे इस बार ITBP थी, तो ITBP जो है आपका नाम आगे UPSC को वापस दे देगी कि इतने बच्चे बचे हुए हैं जिनको आपको पर्सनैलिटी टेस्ट लेना है। फिर UPSC जो है उन बचे हुए कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट लेगी और 150 में से कुछ नंबर उनको देगी, ठीक है। और इन बच्चों को उससे पहले रिटर्न में कुछ नंबर आया होगा, और यही दोनों यानी कि एक्स और वाई जोड़कर जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है, 250 कैंडिडेट्स का, ठीक है। और जिनमें इनका नाम आ गया, दे आर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो उसके बाद दिन से आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, और आपको उसके बेसिस पे सर्विस दिया जाएगा, और आपको जो है उसके हिसाब से फिर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक सिंपल भाषा में इसकी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको इस और भी कोई जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और या फिर आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम हो। आप ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जो है कि ये वीडियो जो है कि जो और एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुँच जाए, ठीक है। तो अगर आप अंत तक बने हुए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ Academy।